अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट .com। MS वर्ल्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रॉप कैप। इससे प्रीवियस क्लास में हमने वर्ल्ड आर्ट के बारे में पढ़ा था, उससे नीचे देखें तो यहाँ पर ड्रॉप कैप की ऑप्शन दी हुई है, जो कि इस वक्त आप देखें तो ये डिसेबल शो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही काम की चीज़ है स्टूडेंट्स, इससे आपकी टेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लग जाती है। ये आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा, यूज़ के कुछ टेक्स्ट लिखी होती है लेकिन जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि दो तीन लाइनों को कवर कर रहा होता है, वो असल में ड्रॉप कैप ही यूज़ हुआ होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ देखता हूँ मैं, चले मैं ये अलाइड स्कूल है तो यहाँ पे ये जस्ट ए को सिलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें अनेबल हो चुकी है हमारी ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पे आते हैं, जो देखें पहले जो भाई डिफ़ॉल्ट होता है वो नन पे होता है। उसके बाद ये देखें जहाँ पे आप लेके आते हैं तो ड्रॉप की है, ये आपका जो है ये देखें आपका मार्जिन जो है वो अपनी जगह पे साइड पे मौजूद है और इसने जो ड्रॉप कैप अप्लाई किया वो इन साइड द मार्जिन किया है। उससे नीचे वाली ऑप्शन पर लेके आते हैं तो ये देखें इस वक्त आपकी जो टेक्स्ट थी वो सारी टेक्स्ट उसी जगह पे है जहाँ पे पहले थी, लेकिन जो इसने ड्रॉप कैप के लिए एक लेटर हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो अब हमारे मार्जिन के अंदर चला गया, वो मार्जिन में एडजस्ट होके वहाँ पे इस पर ड्रॉप कैप अप्लाई हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला यूज़ करेंगे तो ये इनसाइड द मार्जिन है, ये आउटसाइड द मार्जिन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे आई थिंक द लिखा हुआ था वो लिख लेते हैं और यहाँ से करते हैं टी को सिलेक्ट। सॉरी थोड़ा सा इसे मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ईज़िली नज़र आ सके। ये हो गया फाइनली ड्रॉप कैप या स्टूडेंट्स, ये देखें ये साइड पे चला गया। ये देखें ये बहुत ही ना खूबसूरत लगता है टेक्स्ट के अंदर आपने यूज़ किया हो तो। अगेन आते हैं यहाँ पे ऐसे करते हैं, मैं ऊपर से ये डिलीट करने जा रहा हूँ, इतना सा इसे डिलीट कर देते हैं और ये ए पे अप्लाई करते हैं अपना ड्रॉप कैप और इसकी मज़ीद एडिटिंग के बारे में देखते हैं। ये देखें थर्ड ऑप्शन फोर ऑप्शन जो दी हुई है स्टूडेंट्स वो है ड्रॉप कैप ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो अपीयर होती है। ऊपर तो तीनों सेम पोजीशन के लिए सेम ऑप्शन दी हुई है, ड्रॉप्ड है एंड इन मार्जिन है, जो दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ नीचे आए तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें फॉन्ट की ऑप्शन भी दी हुई है कि हम यहाँ पे अपने जो ड्रॉप कैप के लिए लेटर सेलेक्ट किया है इसका फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ एरियल ब्लैक के साथ और नीचे देखें सेकंड लाइन पे लाइंस टू ड्रॉप, इसका मतलब है स्टूडेंट्स आप जो ड्रॉप कैप अप्लाई कर रहे हो अपने लेटर पे वो कितनी लाइन तक ड्रॉप हो, दो तक, तीन तक, चाहे बाय डिफॉल्ट थ्री पे लिखा है। तो ये देखें हम ओके करते हैं तो आप देख रहे होंगे लाइट स्कूल एंड गुजरांवाला एंड पीएम नंबर एडमिशन अलाउ, मतलब तीन लाइनों को इसने कवर किया हुआ है। अगर हम इस चाहते हैं कि इसे फोर पे करें या टू पे करें तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे लाइंस टू ड्रॉप, यहाँ से दो सेलेक्ट कर दें तो ये देखें दो पे हो जाएगा। अगेन आते हैं इसे इंक्रीज़ करके देखते हैं, यहाँ से मैं चार कर देता हूँ सर स्टूडेंट, यहाँ पे चार किया सॉरी फाइव हो गया, ये फोर कर दिया तो ये देखें फोर पे अप्लाई हो चुका है और आपकी जो दूसरी टेक्स्ट है वो भी सेम लिखी हुई है। अगेन आते हैं थर्ड ऑप्शन देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट,
मतलब कि ये जो हमारी टेक्स्ट है इसके और ये जो ड्रॉप कैप वाला लेटर है इसके बिटवीन कितना डिस्टेंस चाहते हैं आप। अगर यहाँ से आप ज़्यादा नैरो या डिस्टेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। यहाँ से पहले ज़ीरो है बाय डिफ़ॉल्ट, हम यहाँ से ये आई थिंक इंच ही होगा, वन इंच कर देते हैं। तो आपका देखें ड्रॉप कैप का लेटर सेपरेट हो गया एंड जो बाकी टेक्स्ट थी वो जितना आपने वहाँ से डिस्टेंस सेलेक्ट किया है उतने डिस्टेंस पे मूव कर गया। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आते हैं यहाँ पे हम करते हैं ये था मेरे ख्याल से ये है ड्रॉप वे, हम इन मार्जिन में ले जाते हैं इसे। तो ये देखें अब यहाँ पे किया तो हम जो डिस्टेंस हमने वन इंच लिया वो डिक्रीज़ करके ज़ीरो कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कर देते हैं, ये ज़्यादा ही इसके पास चलेगी ये टेक्स्ट हमारी। चलिए हाफ इंच कर देते हैं, यहाँ से फाइव कर देते हैं। ये देखें इस तरह आप अपनी टेक्स्ट में ड्रॉप कैप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की क्लास जिसमें हमने ड्रॉप कैप के बारे में पढ़ा कि आप किस तरह अपनी टेक्स्ट में से किसी लेटर के ऊपर, मोस्टली स्टूडेंट्स ये जो हमारी टेक्स्ट होती है इसके फर्स्ट लेटर पे ही हम ये यूज़ करते हैं ड्रॉप कैप, सेंटर में यूज़ किया इतना अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो सेंटर में भी कर सकते हैं, ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप सेंटर में यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने डॉक्यूमेंट में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप कैप को।